एक मिनट, ये रस्म सिर्फ सुहागने करती हैं और तुम बेवा हो। तुम मेरे दानियाल की पसंद हो और मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूं। अब कह दो बेटा। समर अहमद, वल्द बशीर अहमद, बाईवज, हक महर 20 लाख रुपए, तिक्का और राजुल वक्त निकाह में दिया जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? आंटी आप क्यों परेशान हो रही हैं? अल्लाह ताला सब खैर करेगा और आप देखिएगा पिता के नसीब भी बहुत अच्छे होंगे। क्या करूं बेटा, दिल बहुत सहमा हुआ है, किसी पर एतबार करने से डरता है। आंटी आप रोएं तो मत। चलें जी दुआ कर लें। ठहरिए काजी साहब, एक निकाह और पढ़वा दीजिए। सिकंदर बेटा आओ। अपने दोस्त को स्टेज पे लेकर चलो। चलो बेटा। कारी साहब, मेरी एक और बेटी भी है जिसे मैं इतनी ही मोहब्बत और दुआओं के साथ रुखसत करना चाहता हूँ। अल्लाह मेरी दोनों बेटियों के नसीब अच्छे करे। दानियाल आओ। बिस्मिल्लाह करें कारी साहब, दूसरी बेटी का निकाह पढ़वाएं। जैनब, आज से तो मेरी बहन हो और कभी आपने आपको अकेला मत समझना। जी भाई जी। हाँ माशाल्लाह सब बहुत अच्छा हो गया। अरे मानने वाली क्या बात है, मेरा बेटा उसमें मेरी जान है, उसकी खुशी से बढ़ के तो मुझे कोई भी चीज़ अजीज नहीं ना, क्यों नहीं करना था। बस दुआ करो कि अल्लाह उसको खुश रखे, आबाद रखे। बस अब दुआ करो। चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अम्मी आपने तो कमाल कर दिया, इतना बड़ा सरप्राइज दिया आपने मुझे और भाई को। इतना बड़ा फैसला आपने कर लिया था लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अच्छा आप मुझे जल्दी से ये बताएं कि आपने जैनब आंटी को और रिता को इतनी जल्दी कैसे मना लिया? आप तो बस कमरे में गई और फौरन से वापस आ गई और सब कुछ ठीक हो गया। मुझे सब्र नहीं हो रहा, आप मुझे सारी कहानी अभी बताएं। ओहो आहिस्ता आहिस्ता भाई,
तुमने तो ट्रेन ही छोड़ दी है। इतने ढेर सारे सवाल तुमने इकट्ठे कर दिए, इनका जवाब मैं इतना मुख्तसर नहीं है कि मैं अभी दे दूं तुम्हें। डिटेल्स जवाब हैं, आयशा से दूंगी। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुमने भाई का कमरा तैयार कर दिया कि नहीं। जी वो तो मैंने सबसे पहले कर दिया था। बताओ वो अपनी दुल्हन के पास भी गया है या अभी तक सिकंदर के पास ही बैठ के बातें कर रहा है? अम्मी आपको लगता है कि वो आज के दिन भी सिकंदर के पास होंगे? वो अपनी दुल्हन से बातें कर रहे होंगे, बेफिक्र हो जाए। अल्लाह तेरा लाखों करोड़ों दफा शुक्र है। अल्लाह मेरे बच्चे को आबाद रखी, उसकी तमाम दिली मुरादें पूरी करें। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। खुदा ने सुन ली मेरी, पा लिया मैंने तुम्हें। उसका जितना भी शुक्र अदा करूं ना मैं, कम है। पता है, मैं जितनी मोहब्बत करता हूं ना तुमसे, उससे कई ज्यादा इज्जत है तुम्हारी मेरे दिल में। हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, सिर्फ तुमसे। ये तुम छूना नहीं। क्यों ये मैं ही तो कहा ना छूना नहीं। निकाह का मतलब जानती हो तुम? पूरी ईमानदारी और सच्चाई से एक दूसरे को अपनाना, ये मुआहदा किसी तीसरे की खुशी के लिए नहीं किया जाता। जानती हूं। अगर जानती हो तो इस रिश्ते की बुनियाद बेईमानी पे क्यों रखी? बेईमान नहीं हूं मैं। तो फिर मुझे मेरी मोहब्बत को दिल से कबूल ही नहीं किया तो फिर तुम शादी से इनकार ही कर देती। मैं दो माओं का दिल तोड़ने का हौसला नहीं रखती, ना मैं आपकी माँ को मायूस करके उनकी खुशी छीन सकती थी और ना ही अपनी माँ को रोता हुआ देख सकती थी। तुमने सिर्फ
उनकी खुशी की खातिर मुझसे शादी की? निकाह का मतलब जानती हो तुम? पूरी ईमानदारी और सच्चाई से एक दूसरे को अपनाना, उम्र भर के लिए अपना आप दूसरे को सौंप देना, ये मुआहदा किसी तीसरे की खुशी के लिए नहीं किया जाता। जानती हूं। अगर जानती हो तो इस रिश्ते की बुनियाद बेईमानी पे क्यों रखी? बेईमान नहीं हूं मैं। तो फिर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। देखो तुम्हें मुझे अपना शौहर तस्लीम करने में जितना भी वक्त चाहिए तुम ले सकती हो, लेकिन तब तक मुझे अपना दोस्त तो मान सकती हो ना? और तुमने मुझसे कुछ भी शेयर करना हो, अपनी खुशी गम, तुम दिल खोल के कर सकती हो। और मैं वादा करता हूं कि अगर तुम सारी जिंदगी भी मुझे अपना दोस्त ही रखना चाहो तो मैं लिमिट्स क्रॉस नहीं करूंगा। तेरे मर जाने साई ते जूने फ्रेंड्स मार मुकामे तू। अरे अब की बार छूं तो उसे छूना मत समझना, दोस्त की तरह तो हाथ मिला सकती हो ना मुझसे। ये विना बार हाँ ये ना हमारे खानदानी कंगन है, अब इन पे सिर्फ तुम्हारा हक है। अल्लाह तेरा लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करती, तूने मेरे बेटे को खुशियां बख्शी, बस उसको हमेशा शाद और आबाद रखी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अम्मी आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूं आज मैं। अम्मी आप दिल से तो खुश हैं ना? तुम्हारा क्या ख्याल है? कहीं आपने मेरे और दानियाल भाई के दबाव में आके तो ये फैसला नहीं किया
पता है, एक माँ के लिए अपने बच्चों की खुशियों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी और नहीं है। लेकिन फिर भी अम्मी, आप तो पहले इस रिश्ते के लिए मान ही नहीं रही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप मान गई? मुझे पता है तुम्हें मेरे मानने या ना मानने की कहानी जानने का बहुत तजस्सुस है। हाँ अम्मी, प्लीज आप मुझे सारी कहानी बताएं, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। रफिया, तुम तो बिल्कुल छोटी सी बच्ची बन गई हो। भाई को भी चाय भी भिजवानी है, फिर नाश्ते का इंतजाम भी करना है। अम्मी, इतनी सुबह, अभी तो वो लोग सो रहे होंगे। मेरा दानियाल इतनी देर तक नहीं सोता, वो जाग गया होगा। लेकिन शायद तुम ठीक कह रही हो, तुम यूं करो कि फोन पे मैसेज करो उसको, अगर वो जाग गया उसको चाय चाहिए उसको चाय भिजवा दो, वरना फिर नाश्ते का अरेंजमेंट कर लो। हाँ ये ठीक है, मैं भाई को मैसेज करती हूँ। अब मोबाइल में फिर रख के कहीं भूल गई, लेकर आती हूँ हमेशा की। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे हमेशा इसी तरह खुश रहे। आज की रात का चांद हमारी मोहब्बत की गवाही के साथ डूबेगा और सुबह का सूरज हमारी चेहरे की मुस्कुराहट के साथ उभरेगा। हमारी मोहब्बत की लंबी उम्र की दुआएं मांगेंगे। याद रखना, सुबह का सूरज हमें ऐसे ही दुआओं के साथ देखेगा। तुम रात भर सोई नहीं? रफिया चाय देने के लिए आने वाली होगी, इसलिए देखो, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में जो मुआहदा हुआ है वो किसी तीसरे को पता चले। दोस्ती के नाते इतना तो कर सकती हो ना तुम, प्लीज।
थैंक यू। भाई मोबाइल नीचे रख के आप तसल्ली से भाभी को देख रहे हैं, कहीं नहीं जा रही वो। क्या हो गया? मैं मैसेज चेक कर रहा था। मैं जैनब बहन, मैं तो कहती हूँ कि अब पुराने रस्म रिवाज बदल देने चाहिए। जरूरी तो नहीं कि लड़की वाले ही नाश्ता लेकर जाएं। भाई बेटे वाले भी तो बेटी वालों को इनवाइट कर सकते हैं ना। लो नफीसा, अब तुम पुराने रस्म रिवाज को बदलना चाहती हो, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। अरे भाभी, वैसे मैंने सारा नाश्ता तो बना लिया है, अगर आप लोग कहें तो हम ड्राइवर के हाथ भिजवा देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि नाश्ता आज हम सब लोग इकट्ठे करते हैं। मैं दानियाल को फोन करता हूँ, वो लोग भी यहाँ आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं अयाज साहब, आप सुबह सुबह उन्हें अपने घर क्यों बुला रहे हैं? तो फिर हम बाहर जाके किसी तरह ही जगह पे नाश्ता कर लेते हैं, इस पे तो किसी को इतराज नहीं है। जैसे आपकी मर्जी, हम तो आपके मेहमान हैं। क्यों जैनब? ठीक कह रही हैं। ठीक है भाईजान, फिर आप उन्हें कॉल करके बता दीजिए। मैं सिकंदर से कहता हूँ कि किसी अच्छी जगह पर नाश्ता का अरेंज करवा दे और हमें नाश्ता करवा दे। भाभी जी, भाभी ये कलर देखें, आपको पसंद है? ये वाला आप जो कहेंगी वो पहन लूंगी मैं। ये वाला देखें, ये कैसा है? ये कलर आप पे बहुत सूट करेगा और भाई को भी बहुत पसंद है ना भाई? जो भी रंग रिदा अपनी मर्जी से पहनना चाहती है पहन ले। वाह भाई वाह, अभी से भाभी की चॉइस का इतना ख्याल। भाई होना भी ऐसा ही चाहिए, शोहरों को अपनी बीवियों का ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली जब भाभी इतनी प्यारी हो। अब आप लोग जल्दी से तैयार हो जाएं और नीचे आ जाएं, ठीक है? भाई मोबाइल नीचे रख के आप तसल्ली से भाभी को देख रहे हैं, कहीं नहीं जा रही वो। क्या हो गया? मैं मैसेज चेक कर रहा था। मैं अच्छा अच्छा, चले अब आप दोनों जल्दी से रेडी हो जाएं, फिर आ जाएं। बेटा मैं तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी, लेकिन कोई वो वक्त ही ऐसा आ गया कि सब कुछ बहुत जल्दी करना पड़ा। लेकिन अब तुम्हारा वलीमा बहुत शानदार तरीके से करूं। भाई अम्मी चाहती हैं कि आपका वलीमा किसी अच्छे और बड़े होटल में हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुकिंग कैसे मिलेगी इतनी जल्दी? वो है ना तुम्हारा दोस्त सिकंदर, इतने कॉन्टैक्ट्स हैं उसके, किस दिन काम आएंगे उसको कहो। ठीक है मैं बात करूंगा उससे। अब अरे अम्मी मुझे याद आया कि आयजा का भी तो वलीमा है कल, तो उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं बुकिंग करवाई होगी। लो मैं अपने बेटे का वलीमा किसी और के साथ तो नहीं करूंगी ना, और वो जो है ना वो सोनिया आपा कुछ अजीब ही तबीयत की है, ये माइंड ही ना करें।
जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा फिर। बेटा तुम्हारी दुल्हन तैयार हो गई? बस हो रही थी। मैं देख कर आती हूँ, तुम रहने दो, जाओ बेटा अपनी दुल्हन को लेके आओ, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। और ये तुम अभी तक किसी हुलिये में खड़ी हो, तुमने नहीं साथ जाना क्या? मैं बस 10 मिनट में आई। हद हो गई भी, इंतजार कर रहे होंगे वो लोग और इन लोगों को बिल्कुल फिक्र ही नहीं है। मैं कह रही थी कि आज मैंने गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, फिर चलो गुस्सा चढ़ा देते हैं। आज मैं खुश रहूंगी, मेरे बेटे का खुशी का दिन। अगर आप कहती हैं तो, अगर आप इजाजत देती हैं तो मैं। चाह तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। मेरी कब से मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। तुम्हारा महबूब ना सही मैं, ना महरूम तो नहीं होना। चले देखो, ये जो हम दोनों के बीच में एक फासला है ना, इसे हम इस कमरे तक ही रखेंगे। इस कमरे से बाहर हम एक दूसरे के हम दम और हम कदम ही रहेंगे। चलें। वाह भाई साहब वाह, आपने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, तारीखी जगह पे लाहौर का नाश्ता और वो भी सबके साथ। यही चीज तो हमें पाकिस्तान में खींच लाती है। अरे खाला, बंदा लाहौर आयो नाश्ता ना करे कैसे हो सकता है? दरअसल आप बहुत सालों के बाद आई हैं ना, इसलिए ये सारा अरेंजमेंट किया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अरे आ गए वो लोग भी। वालेकुम अस्सलाम। अंकल मैं तो इस व्यू पे अपनी वाइफ के साथ तस्वीर बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता। जरूर। थैंक यू। अरे भाई तुम लोग भी जाओ ना, जाओ। हाँ हाँ बेटा जरूर जाओ, जाओ शाबाश। क्या सोच रहे हैं डॉक्टर साहब, आप भी जल्दी से कोई लड़की पसंद कर लें ताकि आपको भी ऐसे मौके मिल सके।
जी बाबा, बहुत जल्द इंशाल्लाह। चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा। अरे इधर देखो ना, स्माइल। अच्छा बस करो, बहुत हो गई पिक्चर्स। वैसे मुझे हमेशा से ये तारीखी मुकामात बहुत पसंद है। पसंद तो मुझे भी है, अक्सर ही यहाँ आ जाती हूँ। अच्छा हम यहाँ पे सिर्फ तस्वीरों की बातें करने नहीं आए, अपनी बातें करते। वैसे तो हम यहाँ बातें भी नहीं करने आए, हम तो नाश्ता करने आए थे। वैसे आपको किसी ने बताया कि आप बहुत ही अनरोमांटिक हैं। वैसे तुमने क्या सोचा कि हनीमून पे कहाँ जाया जाए? हमारा क्या, आप जहाँ ले चलेंगे हम वहाँ चले जाएंगे। वाह, इतनी फरमाबरदार बीवी मिली मुझे। किसी गलत फहमी में मत रहना तुम, ये तो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि कितनी फरमाबरदार बीवी मिली है तुम। ठीक है जनाब, वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो मुझे ये बताओ कि हनीमून पे कहाँ जाया जाए। वैसे यू नो व्हाट, मुझे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज बहुत पसंद है, बड़े बड़े पहाड़, सरसब्ज वादियाँ और झीलें, मुझे बहुत पसंद है। तो क्यों ना वहीं पे जाया जाए। तो मुझे बताओ सीधा सीधा कि उसने कहा क्या है तुम्हें। उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। हाँ मुझे लगता है मेरे शायद नैन नक्श कुछ अजीब से हैं, रंगत भी खराब है, चेहरे पे कुछ निशान हैं, आंखें भी महंगी सी हैं। नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझे देख के तुम सहम क्यों जाती? मैं नहीं सहमती। रफिया तो कहती कि मैं बहुत चार्मिंग हूं, और ये कि मेरी आंखें बातें करती हैं, वो बातें जो किसी के दिल को छू सकती हैं।